इलिप्स, तुम क्या प्रेफर करोगे? यस सर, इलिप्स। यस सर, इलिप्स। कल मैंने एक प्रॉपर्टीज की शीट भेजी थी, देख ली सबने? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तेरा रिवाइज करना, मतलब उसको अटेम्प्ट करोगे तो वैसे ही रिवाइज हो जाएगी प्रॉपर्टीज। ओके ओके सर। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे हैं? एलिप्स से पढ़ रहे हैं आगे एवरीवन, ताकि यस कोर्स सर। पढ़ लिया करो। यस सर। मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर के मुकाबले में 1 महीने पीछे चल रहे हैं अपन सिलेबस वाइज, और लास्ट ईयर भी बहुत लेट हुआ था कोर्स, इसलिए अब थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी से आगे बढ़े तो चलेगा। करेक्ट यस सर। यस सर। तो एलिप्स कंटिन्यूड। हाँ बच्चे, तो एज यू वर डिस्कसिंग एलिप्स का मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया था, ऑल ऑफ यू रिमेंबर डेरिवेशन डिड इन द क्लास। यस सर। यस सर। तो पहले मुझे डायग्राम वाइज बताओ क्या क्या मैंने एजम्पशन लिया था और क्या क्या निकाल लिया था। जैसे ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो यस इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फोकस मैंने लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ली थी, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स। पे यस। फिर हमने सबसे पहले वर्टाइसेस को एज्यूम किया था, याद आया? यस यस सर। यस सर। यस ए कॉमा जीरो एंड ए कॉमा जीरो, यस सर। बस इतना ही एजम्पशन हमने लिया है। दो एजम्पशन क्या, एक तो लाइन ज्वाइनिंग फोकस सॉरी परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज अलोंग व्हिच एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड द वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। ये उसका मिड पॉइंट हो गया सेंटर, करेक्ट? यस यस सर। अगर ए भी अगर एलिप्स पे ही एक पॉइंट है तो वो सेटिस्फाई करेगा पी एस इज इक्वल्स टू ई इनटू पीएम को, याद आया? यस सर। यस सर। ए डैश भी ये सेटिस्फाई करेगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा ई इनटू ए जेड, ए डैश करेगा तो ए डैश एस इज इक्वल्स टू ई इनटू ए डैश जेड। दोनों को ऐड करके और सबट्रैक्ट करके हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या निकाली थी एवरीवन, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, याद आ गया एवरीवन? यस सर। यस सर। पैराबोला में एक्स इक्वल्स टू माइनस ए होता है, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए बाई ए होता है। साउंड्स गुड? यस सर। यस सर। ये दोनों को उल्टे सेंस में करूंगा, तुम्हें पता मैंने हमेशा एस को ध्यान में रखते हुए वो स्प्लिट किया था, याद करो ए एस प्लस ए डैश एस, ऐसा किया था ना एवरीवन? यस सर। वही मैं ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे मान लो फोकस है तो आई कुड हैव स्प्लिटेड इट अप लाइक ए डैश एस, ए डैश एस डैश प्लस ए एस डैश, कर सकता हूँ ना इसे? यस सर। तो उसी से दूसरा फोकस भी आ जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई। इज एवरीवन क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो फोकस आ गए, डायरेक्ट्रिक्स आ गए, सो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक, पी एस इक्वल टू ई पी एस पी एम, वेयर पॉइंट पी इज द लोकस एच कॉमा के, उसके थ्रू हमने डिराइव किया था इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू वन माइनस ई स्क्वायर। सबको याद आया यहाँ तक? यस सर। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें एक ही इंपॉर्टेंस पता है, कम ऑन एग्री करो, ए इज द वर्टेक्स ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। यस सर। यस सर। हमें अभी बी की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, बट अभी पता लग जाएगी, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। तो यहां तक डिराइव किया था, कोई इशू? नो सर। सर एक्स इक्वल टू ए बाई तो हर कॉनिक के लिए होगा ना सर? यस, हाइपरबोला में भी यही होता है, हर कॉनिक के लिए नहीं बोलेगा, पैराबोला के लिए थोड़ा होता है बच्चा। सर ई वन डाल देंगे तो वही। हाँ मतलब हाँ उस सेंस में सही है, बट सर्कल के केस में फिर? सर्कल तो सर स्पेशल केस है। हाँ तो मैं स्पेशल केस में है, यू मान ले जीरो डाल दिया तो इनफिनिटी पे बोल सकता हूँ ना? यस सर। गुड इनफ। सो एज वी कैन डिस्कस, अब शेप ऑफ द एलिप्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, शेप ऑफ द एलिप्स। तो अगर शेप ऑफ द एलिप्स के लिए देखो, यहाँ पे मैं वाई को जीरो डाल दूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन आता है, मतलब इलिप्स इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, एग्री करो? कौन सा पॉइंट, ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, तो बिल्कुल सही है भाई, उसी को वर्टाइसेस बोलते हैं, मतलब इलिप्स यहीं से तो पास करेगा ही करेगा, एग्री करो? यस सर। नेक्स्ट चीज, एक्स को जीरो रख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, मतलब वाई एक्सिस पे जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी से पास करेगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। यस सर। देखो ये पॉइंट जीरो कॉमा बी बोलूंगा और इस पॉइंट को मैं जीरो कॉमा माइनस बी बोलूंगा, यहाँ तक क्लियर? यस
अब ये जो कर्व है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर होता है, करेक्ट ना? यस सर। एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से बड़ी या 1 से छोटी? 1 से बड़ी सर, 1 से बड़ी, 1 से छोटी, छोटी। पॉजिटिव तो हां बस चुप, बस पॉजिटिव तो हो गई होगा ऑब्वियसली। यस सर। यस सर। e स्क्वायर विल बी लेस देन 1, करेक्ट? यस यस सर। अरे 1 से छोटे को स्क्वायर करोगे तो 1 से छोटा ही रहेगा ना? यस सर। हां सर। माइनस e स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 1, एग्री करो? यस सर। यस सर। अब ऐड कर रहा हूं 1, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, कम ऑन। यस यस सर। तो यहां पे ये मान लो ये ग्रेटर देन 0 ऐड कर दिया 1, तो ये 1 से ऐसा है, देख लो, कम ऑन। यस सर। हां भाई। यस सर। यस सर। अब इसको a स्क्वायर देखो, मतलब ये वाला फैक्टर जो है, मैं ये बोलना चाहता हूँ ये 0 टू 1 के बीच में, 0 टू 1 लाइक मतलब 0.5 की तरह, तो तुम बताओ कौन बड़ा है, b स्क्वायर बड़ा है a स्क्वायर बड़ा है? कम ऑन। a स्क्वायर बड़ा है। b स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर। बस बस चुप रहो, क्योंकि सोचना तो तुम्हें आता नहीं, वैसे भी गधे तो हो ही हो। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दूंगा, सो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इनटू अ फैक्टर बिटवीन 0 टू 1, लेट्स से, लेट्स से 1/2। यस सर। तो अगर a स्क्वायर को 1 रखूंगा तो b स्क्वायर तो छोटा आएगा ना कार्टूनो? हां सर। यस सर। हां सर। यस सर। आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए, हियर फॉर दिस स्टैंडर्ड बिलीव्स a इज ग्रेटर देन b, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। सो कैन आई से 2a विल बी ग्रेटर देन 2b? यस। यस सर। यस सर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, देखना, and this point कितनी है distance? 2b. 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 And distance between this point, what axis? What axis? 2a. 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 कौन बड़ा है? 2a. 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 Between what axis? 2a. ये बड़ा है. हाँ, ये बड़ा है. ये छोटा है. तो shape ऐसा ही होगा ना बच्चों? Come on. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अगर 2b बड़ा होता, तो shape ऐसा होता. Agree करो. Come on. Yes sir. Yes sir. तो ये भी समझ में आ गया कि shape horizontal पे elongated होगा, correct everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. फिर और ये भी पता है कि x में even power है, y में even power है, मतलब चारों quadrant में symmetrical है, समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. तो इतनी सब observation के बाद मैं सिर्फ first quadrant में diagram बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, agree करो? Come on. Yes sir. Yes sir. फिर चारों quadrant में symmetrical होगा, देखो ये first और second में symmetrical कर दिया, अब नीचे भी symmetrical कर दिया, तो roughly ये diagram बन गया तुम्हारा. This is 0, minus b. Clear everyone? Yes sir. Yes sir. This is the shape of the ellipse. This is the complete diagram of the ellipse. वापस इसको revise करते हैं. A and a dash को क्या बोलते हैं? Vertices. Vertices. उनका midpoint क्या हो गया? Center of the ellipse. कौन हो गया? Center. Center. यहाँ पे foci कितने होते हैं? दो. दो. A, 0 and minus a, 0. दो directrix होते हैं. Then इस x एक्सिस को अब से हम नाम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस. क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस मतलब जहां पे कौन होता है, फोकस होते हैं. कैन आई से लाइक दैट? यस सर. यस सर. यस सर. और ये तो अदर वाली एक्सिस है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सुन लो, जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है, करेक्ट ना? यस सर. यस सर. क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स कौन है? माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स कौन है? 0, b एंड 0, -b, करेक्ट एवरीवन? यस सर. यस. तो वर्टाइसेस को a और a डैश से डिनोट करते हैं, तो माइनर एक्सिस के वर्टाइसेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनर एक्सिस के वर्टेक्स है? यस सर. यस सर. यस सर. कोऑर्डिनेट्स 0, b, 0, -b. चलो यहाँ तक डायग्राम कंप्लीट करो, अच्छा डायग्राम बनाना. ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए लिखा है, बट ये जरूर लिखना इसी के साथ. क्लियर? यस सर. डायग्राम अच्छा फेयर बड़ा चौड़ा बना दो.
सब डायग्राम बना दो फिर पॉइंट्स में लिखा दूंगा मैं इक्वेशन और ये सब ए ग्रेटर देन बी भी लिखा दूंगा तुम्हारे एमटी के बाद क्या कुछ छुट्टी है क्या 7 days yes sir 7 days कब से कब तक 24th से 30 ओके क्या करोगे छुट्टियों में सर फुल रिवीजन मतलब तब तक जो भी हो है पूरे एक साल में ओहो बहुत झंडे गाड़ दोगे एक साल एक हफ्ते में तुम्हें पूरे एक साल का जैसे बैकलॉग ट्राई करेंगे कवर जितना होगा उतना कर देंगे यस सर बैकलॉग मैं प्रेफर करूंगा करंट चैप्टर पे भी ध्यान देना ताकि उस पे भी कॉन्फिडेंस बना रहे ना यस सर Yes, I think सबने कर लिया होगा points note. Done. Yes, sir, done. Points to note. First point. For standard ellipse, equation क्या होती है बच्चों? X square by a square plus y square by b square equals to 1, where a is greater than b. Important लिख दो. मतलब एग्जांपल x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 is the standard ellipse correct everyone yes sir yes sir यहाँ पे a is 4 and b is 3 agree करो क्योंकि a square होता है yes sir yes sir yes standard ellipse है but अगर ये देख लिया तो yes ये भी एक ellipse है but ये standard ellipse नहीं है इसको बोलते हैं conjugate ellipse come on इसका a b से छोटा agree करो yes sir तो इसका तुम शेप भी सोच सकते हो कैसा होगा कम ऑन सोच लिया ऑब्लॉंग वर्टिकल एलिप्स इसको मैं वर्टिकल बोलूंगा इसको हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड एलिप्स बोलूंगा सुन लिया सबने यस यस सर इसको कॉन्जुगेट एलिप्स भी बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिप्स क्यों बोलते हैं वो सब बोलते हैं वो बाद में कॉन्जुगेट एलिप्स अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा बट रफली बता दिया अभी तक ठीक है यस सर यस सर मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ मुझे 3.0 3.0 0.0 0.4 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
करेक्ट? यस सर। और इस तरीके से भी याद कर सकते हो, 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। और एसेंट्रिसिटी, क्योंकि बहुत बार एसेंट्रिसिटी पूछेंगे, अब तुम इस इक्वेशन में रखोगे तो उधर घुमाओगे, इससे अच्छा मतलब ये भी याद कर सकते हो, इज 1 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। ऑल ऑफ यू नो सेम थिंग है, करेक्ट? यस सर। यस सर। बट इतनी बार यूज आएगा कि तुम्हें ये भी याद हो जाएगा, बस ये बोल रहा हूँ। सर पर अगर फॉर वर्टिकल पैराबोला
बी ग्रेटर देन ए होगा तो अंदर की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी ना। कौन सी वैल्यू? अंदर की, रूट के अंदर की। वैसा नहीं होता, उसमें रिलेशन भी चेंज हो जाता है। उसमें ये रिलेशन ऐसा हो जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वर्टिकल के लिए। यस सर। थर्ड पॉइंट, वर्टाइसेस पता है सबको, फोकाई पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, मेजर एक्सिस पता है, माइनर एक्सिस पता है, बट ये लिख दो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है बच्चों? 2a। 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता है? 2b। फोकल कॉर्ड क्या होगी? वही सेम चीजें हैं, बोलो। कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। यस सर। कौन सा फोकस, पहला वाला, दूसरा वाला, है कोई भी? कोई भी। डबल ऑर्डिनेट क्या होंगे? पासिंग थ्रू फोकस, नहीं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। चुप रहे, पासिंग थ्रू एक्सिस कुछ भी बोलते हो यार, सच्ची में। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यस सर। यस सर। दोनों अगर हो गए तो फिर क्या बोलते हैं उसको? कम ऑन, लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम। फोकल कॉर्ड प्लस डबल ऑर्डिनेट इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम पैराबोला में एक ही होती थी, करेक्ट ना? यस सर। यहाँ पे कितनी होगी? दो। दो। डायग्राम बना देना। उसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा ना जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है एवरीवन? यस सर। तो ए, और फिर इलिप्स की इक्वेशन में रख दोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, याद रखना है। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन लोगे तो चार आ जाएंगे। पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है बच्चों? 4a। 4a। इलिप्स के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है? 2b स्क्वायर बाय, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। 2b स्क्वायर बाय a, लिख लो। सर ए ही क्यों, ए होगा ना सर? फोकस के कोऑर्डिनेट देख, वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो होते हैं, फोकस के ए ही कॉमा जीरो होते हैं ना? यस सर। यस सर। यहाँ तक लिख लिया सबने? 1 मिनट। तो 1 मिनट आप डायग्राम दिखा सकते हो? डायग्राम ही दिख रहा है अभी, लैटिस रेक्टम का दिख रहा है ना बच्चे? नहीं सर, वो मेन ऊपर वाला नहीं, वो अभी नहीं दिखा सकता, अभी सब बच्चे कॉपी कर रहे हैं। डन एवरीवन, कॉपी हो गया, लिख लिया? यस सर। यस। मेन डायग्राम तो दूसरे पेज पे, बच्चे अब कहाँ दूसरे पेज पे ले जाती है, वो इतना टाइम दिया उसको कॉपी करने के लिए, तब तो तूने किया नहीं, जल्दी लिख, क्या देखना है, देख ले। हो गया सर, बस। ओके, फिफ्थ पॉइंट, टू पैराबोला कब इक्वल बोलते थे हम बच्चों? तो फ्लैट स्ट्रेक्टम। टू एलिप्सिस आर इक्वल इफ दे हैव सेम एसेंट्रिसिटी, तब बोलते हैं, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हम बोलते हैं लेस देन वन होना चाहिए, बट लेस देन वन तो बहुत सारी वैल्यूज होती है ना एवरीवन? Yes, sir. ना 0.5 भी होता है, 0.6 भी होता है, कुछ भी होता है, 0.1 भी होता है, तो अगर एसेंट्रिसिटी सेम है तब हम इलिप्सिस को बोलते हैं इक्वल। क्यों? तब सब, क्योंकि इलिप्स का शेप ऑलमोस्ट सेम होगा, ऐसा ही होगा हर जगह। गॉट इट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So two ellipses are equal if they have the same eccentricity. अगर ellipse shift हो गया तो but standard ellipse है. Length of major axis is greater than length of minor axis या 2a is greater than 2b still. तो बस shift ही हो गया, come on. X square by a square plus y square by b square equals to 1. को अगर h कॉमा k पे शिफ्ट कर दिया क्या इक्वेशन हो जाएगी बच्चों? x माइनस x माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y माइनस a होल स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और पैराबोला का डायग्राम कैसा हो जाएगा? पहले पैराबोला यहां पे था, करेक्ट? यस सर. यस सर. यस हो जाएगा h कॉमा k पे हो जाएगा. एवरीवन क्लियर? यस सर. तो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? यस नो? यस. बट लेंथ चेंज होगी क्या? नो नो. Length of major axis अभी भी 2a है, length of minor axis अभी भी 2b है, length of latus rectum अभी भी 2b square by a. Clear everyone? Sir, ये equal parabola ही ellipse ही होगी ना? Clear everyone? Yes sir. Yes sir. Focus के coordinate बिल्कुल change हो जाएंगे, but distance between foci same रहेगी, agree करो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ना तो ये सब distances बस same रहेंगे. Obviously same को shift किया है, a और b same है तो obviously eccentricity same है ना देव? नहीं सर, इक्वल बोल रहा था. अरे यार, ए और बी सेम है तो एसेंट्रिसिटी सेम है, एसेंट्रिसिटी सेम है तो इक्वल ही होंगे ना? यस सर. कॉपी करो यहां तक. अब हो गया? यस सर. यस सर. सो अब कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख लें, तो जो शिफ्टेड याद है पैराबोला में लिखे थे, या पैराबोला शिफ्ट हो गया तो क्या सेम रहता है? तो इलिप्स सेम हो गया तो क्या क्या सेम रहता है बताओ? व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सबसे, वो तो ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सबसे मेन है. कितना होगा? पहले कितना था, अभी कितना होगा? 2a. 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 एक गधा बच्चा बोलता है दूसरे फॉलो मत करा करो. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यही होता है ना एवरीवन? यस यस सर. इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बार बार आता है तो ये तो याद ही कर लो. डिस्टेंस बिटवीन वर्टाइसेस 2a. पता नहीं क्या खा के आते हो, क्या पी के आते हो. कोई बच्चा वर्टेक्स मतलब मेन वर्टेक्स उसके बोलना होगा तो मैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस बोलूंगा, या फिर एंड पॉइंट ना बता ऐसा ही बोलूंगा, वर्टेक्स ऑफ द माइनर एक्सिस. और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी भी कितना रहेगा? 2b स्क्वायर बाय. डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट एक्सिस डायरेक्ट ट्राइसिस ऐसा कुछ भी लिखते थे. 2a by e. तो अभी जब तक एक और प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था, अभी तक इक्वेशन ऑफ एलिप्स में पता है कितने फॉर्म में दे सकता हूं? देखो, आई कैन गिव यू इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एग्रीड? यस सर. यस सर. एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. आई कैन गिव यू इन शिफ्टेड फॉर्म. हां भाई. यस सर. यस सर. आई कैन गिव यू इन पीएस इज इक्वल्स टू ई इनटू पीएम फॉर्म. Come on. Yes, sir. S minus AE का whole square plus Y square is equals to eccentricity. याद करो, ऐसे ही है ना? Into yes, S sir. Minus A by E by 1. Come on. ये भी दे सकता हूँ, देखो. Yes, sir. Yes, sir. Then, और क्या दे सकता हूँ? Second degree curve form में भी दे सकता हूँ. मतलब obviously standard नहीं होगा. तो वो तो AX square plus BXY type का दिखेगा. Agree करो? Yes, sir. Yes, sir. Plus 2GX plus 2FY plus C. हो सकता है ना उसमें भी? Yes, sir. Yes, sir. और फिर एक लास्ट और आएगा, PS plus PS dash equals to 2A, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, बस लिख दो बस, ताकि तुम्हारे पास चार्ट बन जाएगा, ठीक है?
इसके बारे में अभी लेटर लेटर डिस्कस करेंगे. इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस इतने फॉर्म में मैं घुमा फिरा के तुम्हें दे सकता हूँ वो लोग बनाने के लिए. पीएस प्लस पीएस डैश इक्वल्स टू 2a वो तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे डिस्कस. सर ये वो एचएम वाला है क्या? नहीं यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी होती है बट है ना सेमी लेटरल रेक्टम इज द हार्मोनिक प्लेन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड वो हर कॉनिक हर 2 डिग्री कर्व में है. लिख लिया? यस सर. चेंज पेज कर रहा हूं मैं एवरीवन आई होप डन. हो गया ना कॉपी या शुड आई वेट? जल्दी बोलो. डन सर. डन सर. डन सर. पीएस प्लस पीएच डैश में लिख लिया? अभी थोड़ा लेटर पढ़ेंगे लेटर डिस्कस कुछ भी लिख दो ठीक है. यस सर. तो दो पॉइंट और लिख लेते हैं पीएस और इसके बारे में एक बार प्रूफ तो कर ही लेते हैं यूसेज भली बाद में कर लेंगे. फर्स्ट फोकल डिस्टेंस. फोकल डिस्टेंस किसे बोलते हैं जल्दी से डायग्राम में सोच लो कुछ. ये डायरेक्ट्रिक्स है ये फोकस है. फोकल डिस्टेंस किसे कहते हैं याद करो यार पैराबोला में भी फोकल डिस्टेंस इसी कहते थे ना पीएस को बच्चों. अब याद करो पैराबोला में भी बोला था यहाँ तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा. पीएस को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं या किसी और तरीके से निकालते हैं अगर ये x1 y1 है ये e, 0 है पैरामेट्रिक से. यस इज इक्वल टू पीएम नहीं होगा बस यहाँ पे यस नो एवरीवन. यस सर. ई इंटू पीएम. अब ई इंटू पीएम क्या हो जाएगा देखना ए बाय ई माइनस एक्स वन एग्री करो कम ऑन. ये डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस कम ऑन. यस सर. यस सर. ओके तो फोकल डिस्टेंस पीएस इसका एक तरीके से ये रिजल्ट याद रख लो बार बार एंड पीएस डैश विल बी क्या हो जाएगा गेस कर लो ए प्लस ई एक्स वन. ये कौन सी डिस्टेंस है समझ गए? यस सर. लेफ्ट साइड. यस सर. ये कैसा आएगी वो भी समझ गए? यस सर. यस सर. प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों दिस प्लस दिस कम ऑन. यस सर. Yes, sir. ये दोनों याद कर लो और इसके थ्रू देखो जल्दी से एक बार PS plus PS dash कितना हो गया? 2A. तो ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे बल्कि एक बार प्रूव कर लिया करेक्ट एवरीवन. यस सर. मतलब इस प्रॉपर्टी की एक बार इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ सुनना देखे हो एक बार कि अगर दो फिक्स पॉइंट्स हैं तो इलिप्स पे कोई भी पॉइंट है कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो दिस प्लस दिस हमेशा कितना होता है 2A. मतलब कोई भी पॉइंट ले लो दिस प्लस दिस कितना है 2A. इवन माइनर एक्सिस पे ले लो दिस प्लस दिस कितना होगा 2A. आपको समझ में आ रहा है कोई भी पॉइंट ले लो उसकी फोकल डिस्टेंसेस से सम कितनी रहती है एवरीवन 2A. यहां तक कॉपी कर लो. इस प्रॉपर्टी के बारे में एक सेपरेट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट. मतलब ये एंगल 90 होगा. हाँ सर. नहीं ये डिस्टेंस ए होती है ये डिस्टेंस ए होती है ये डिस्टेंस 2AE होती है तो अगर 90 डिग्री होता तो ये डिस्टेंस रूट टू ए होती. समझ रहा है? मतलब 90 डिग्री सिर्फ किसके लिए होगा जब एसेंट्रिसिटी 1 बाय रूट टू है तब उसके अलावा नहीं. समझ गया नालायक? यस.
जल्दी से लिखो पी एस प्लस पी एस डैश इज टू ए, और ये याद रखना है पी एस पी एस डैश काम आती है काफी। ए माइनस ई एक्स वन, एक्स वन कौन है, हु इज एक्स वन, एनी पॉइंट ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, क्लियर? यस सर। हो गया एवरीवन? यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। Whose focus is minus 1,1, eccentricity is half, minus 1,1 को देख के क्या standard ellipse है क्या? Yes, yes sir। अच्छे में से गए गुजरे बच्चे हैं। Standard ellipse में focus AE, 0 होता है ना गधों, ये क्या तुम्हें comma 0 की तरह दिख रहा है? No sir। Oh, yes sir। सच्ची में क्या बच्चे हैं। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a बाय e टाइप की दिख रही है क्या कांस्टेंट? नो सर। नो सर, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एलिप्स, ये कोई रोटेटेड एलिप्स है। बट तुम्हें बताओ इक्वेशन कैसे निकालनी है, सोचो खुद ही करो। रोटेटेड एलिप्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके अलावा किसी तरीके से हो सकता है। पहले फर्स्ट लाइन बोल मत, फर्स्ट लाइन ये तो लिख दो नॉट अ स्टैंडर्ड एलिप्स। So, can I say x square by a square use करना तो बिल्कुल गलत है everyone? Yes sir. Yes sir. BPM. Shifted ellipse भी नहीं दिख रहा, क्योंकि shifted ellipse भी होगा, कैसा भी shifted ellipse होगा, उसकी directrix तो still parallel ही रहेगी। सुन रहे हो नालायकों? Yes sir. Yes sir. ये तो अलग है, ये तो standard ellipse भी नहीं है, not a standard, not a shifted ellipse. चलो अब तक चिल्ला के बता दो यार, इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? PS equals to EPM. PS equal to EPM. PS equal to EPM. P into PM से निकालोगे? करो। First part done everyone?
पीएस इक्वल्स टू इक्वेशन बन गया था, बस ओपन कर दिया, बस उतना ही चाहिए, कर दिया। यस सर। यहाँ पी, पी कौन है, हु इज पी? एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। मैथमेटिकली बोलो कौन है? एच कॉमा लुकस, लुकस एच कॉमा के। तो पीएस कितना लिखा आप सबने, लिख दिया ये? यस सर, यस सर। इज इक्वल्स टू हाफ इनटू पीएम, क्या है इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, एच माइनस 3k प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 10, करेक्ट? यस सर। सर कुछ दिख रहा नहीं है। यस सर। हां सर अभी दिख रहा है? यस सर हां अभी दिख रहा है। तो ये पीएस है, ये एसेंट्रिसिटी एंड दिस इज पीएम, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। अब बताओ बस क्या करना है, ओपन करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ना? यस सर। यस सर। प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 इनटू 10, और यहां पे x माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आएगा। यस सर। स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6hk माइनस 9 इनटू 2 18k प्लस 6h, ओपन करके सिंपलीफाई करके लिख दो आंसर, काम है तुम्हारा वो। 40 into this 40h square plus 40k square plus 80h minus 80k plus 2 into 40, 80 is equals to h square plus 9k square minus 6hk plus 6h minus 18k plus 9. ठीक है, हो जाएगा? हाँ सर हो गया। यस सर। 39x स्क्वायर प्लस 74h माइनस 62k प्लस 31k स्क्वायर प्लस 71 सर कितना हो गया, प्लस 6xy 74x माइनस 62y प्लस 71 इक्वल टू 0 जो भी है, ठीक है एवरीवन? यस सर। सर आपको कैसे पता चला ये शिफ्टेड नहीं है? शिफ्टेड भी होगा तो भी डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी बच्ची, किसके पैरेलल होगी? ओके वाई एक्सिस के। ओके सर। यस। इक्वेशन स्टिल कैसी होगी, x इक्वल्स टू a बाय t टाइप की होगी, x इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी। ओके सर। एवरीवन डन, हो गया कॉपी? यस सर। यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन, दो पार्ट्स हैं, पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट अप्रोच करो, सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे देता हूं। डायग्राम कंपलसरी होता है तुम्हें पता ही है, उससे जज करो कि स्टैंडर्ड है, शिफ्टेड है, रोटेटेड है, क्या है। इतना देख के ही फील आ जाना चाहिए कैसा एलिप्स है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड शिफ्टेड, रोटेटेड, शिफ्टेड, बिल्कुल करेक्ट। सबको क्लियर है क्योंकि एक्सेस ये हो गई पैरेलल टू दिस, कम ऑन। यस सर। यस। यस सर। ये पैरा, ये एलिप्स ऐसे होगा, कम ऑन, एग्री करो, कम ऑन। यस सर। यस सर। 1,2 पे शिफ्ट हो चुका है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। चालू करो, सेंटर और फोकस की डिस्टेंस को कितना होता है किसी भी एलिप्स के लिए, वो लिखा नहीं हमने बट तुम सबको पता होना चाहिए। हाँ, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस के बोले। देख देव,
अगर एक गलत बोले तो थोड़ा खुद को भी सोच के बोलना चाहिए। तन्वी गलत बोल रही है तो बिना सोचे समझे बोलता है। मैंने पहले ही बोल दिया तो दोनों गधे हो फिर तो। अरे बाकी सब सोच के बोलो यार, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? हर जगह ए आ जाता है। अरे ए वर्टेक्स का होता है, सुन रहे हो कार्टून? यस सर। फोकस तो दिमाग में ई आना चाहिए, बस खत्म बात, पैराबोला से हट जाओ। सो क्या यहाँ पे भी डिस्टेंस को ए ही बोलेंगे क्या, शिफ्ट हो गया तो भी? यस सर। और ए दे रखा है क्या इनडायरेक्टली? हाँ यस सर। यस बच्चों, यस अब टेल मी नाउ ए ई कितना है, एनीबॉडी? फाइव। कैन आई से डिस्टेंस बिटवीन 1.2 एंड 6.2 एवरीवन? यस सर। यस सर। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है तो सबको पता है 2a दे रखा है बच्चों। यस सर। देख लो ये रहा, सो ए की वैल्यू √45 है तो √45 मैंने यहां पे डाल दिया। So E की वैल्यू आ गई 5 by root 45. Root 45 is 3 root 5, I think. Yes, sir. So eccentricity is root 5 by 3. Is that clear, everyone? Yes, sir. अब A भी पता है, E भी पता है. A कौन है? Root 45, that is 3 root 5. A पता है, E पता है, center पता है, सब कुछ हो गया ना अब तो? हाँ, sir. Yes, sir. तो shifted ellipse की equation पहले तो A और B form में बताओ. X minus h the whole square by a square plus y minus k the whole square by b square is equal to 1. समझ लो, पहले ऐसा लिखा करो, फिर a और b की वैल्यू डाल दिया करो, करेक्ट? यस। b square क्या होता है? a square into 1 minus e square, 45 into 1 minus 5 by 9, 45 into 4 by 9, तो b square की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20. तो फाइनल आंसर x minus 1 का होल स्क्वायर बाय कितना? 45 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 20. सबको क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो। हां सर।
आगे बढ़े एवरीवन. यस सेम क्वेश्चन बी पार्ट डाल दो, बस लेंथ की जगह मैंने दे दिया कि एलिप्स पासेस थ्रू 4, 6. पासिंग की इंफॉर्मेशन कैसे करते हैं याद है ना? सैटिस्फाइड. सो मैंने स्मॉल ए की वैल्यू नहीं दी है बट ए ही तो सेम ही रहेगा ना एवरीवन? यस सर. करो ये क्वेश्चन करो करो करो. बाकी सब डेटा सेम है बस स्मॉल ए की जगह ये है. अभी तक का डेटा के हिसाब से क्या निकाला था? ए की डिस्टेंस तो 5 ही है. एवरीवन एग्री ना? यस सर. यस सर. सेंटर 1, 2 पे है और एलिप्स शिफ्टेड एलिप्स ही है. तो अब तुम्हें पता है कि अब सबसे पहले क्या कर लिखोगे, क्या करोगे बताओ? पासिंग की इक्वेशन. इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. वेरी गुड. इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन लिखो बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बाय बी फोर कॉमा सिक्स और बी स्क्वायर कितना लिखूं? स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं ना एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. ए की वैल्यू डालो 4, 6 डालो जल्दी से आंसर निकालो. Sir, is it the same as the first one? बिल्कुल सही आंसर. अभी क्वाड्रेटिक आएगी सॉल्व कर सकते हो ना एलसीएम लेके? यस सर. यस सर. करो 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 करो. रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ई ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. देखना ई 5 है. सो अगर ए की वैल्यू रूट 5 डालोगे तो एसेंट्रिसिटी रूट 5 आ गई. एलिप्स के लिए हो सकती है क्या ग्रेटर देन 1? नो नो सर, नॉट पॉसिबल. Rejected. Is that clear, everyone? Yes, sir. So a square 45 है, फिर तो same answer आना है ना, काटू ना? Yes, sir. Yes, sir.
वो तो मैंने जान बुझी उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, आई होप तुम समझ गए हो तो। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट पेज जा सकता हूं एवरीवन? यस सर। लास्ट 10 सेकेंड, जो बच्चे स्लो हैं जल्दी करो। चलो ये स्टार्ट करो। फॉर द एलिप्स शोन एज दिस, फाइंड फर्स्ट पार्ट सेंटर ऑफ द एलिप्स, सेकेंड पार्ट लेंथ ऑफ एक्सिस। अच्छा मेजर एक वहां पे लिख देना यार, वो मैं बोलना भूल गया एवरीवन, जहां पे यहाँ पे लिखा था मेजर एक्सिस, मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस टुगेदर आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस, दोनों को मिला के बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। लिख देना कहीं, मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस टुगेदर आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस। जल्दी करो। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हो एवरीवन? डायग्राम बना रहे हो या पहले परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर बना के डायग्राम जरूर बनाना। यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के जस्ट बाद ही तुम्हारा सेंटर आ जाना चाहिए एवरीवन। ए और बी दिख जाएगा, जल्दी से करो उतना तो। सबका परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
यस सर यस सर उस फॉर्म में ले आओ जल्दी से x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्टेड फॉर्म में कितना है सेंटर चिल्ला के बोलो यार अभी तक तो 1.2 - 2 सबका आ गया ये यस यस जल्दी से एबीसी पार्ट के आंसर लिखो पहले तो एबीसीडी एबीसीडी के लिए डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है एबीसीडी फटाफट कर लो एबीसीडी पार्ट यस सर ओके चार पार्ट्स के आंसर मैं लिख रहा हूं बच्चों सेंटर 1.2 Length of major axis कितना? 2a. हाँ? 6. That is 6. 2a. Length of minor axis that is 2b. 4. Eccentricity आप सबने निकाला? E का relation ये directly use करो. 5/3. Yes, sir. Yes, sir. 1 - 4/9. That is √5/3. Correct everyone? Yes, sir. Length, yes, sir. इस rectum कितना होता है formula? 2b² / 2a² / 2 × 4/3 = 8/3 अब E और F पार्ट के लिए सुन लो E और F पार्ट के लिए तुम्हें दोनों मेथड से करना है एल्जेब्रिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली सीखने के लिए सुन लिया सबने यस सर यस तो पहले एल्जेब्रिकली करो बिना डायग्राम के एल्जेब्रिकली करो बिना डायग्राम के एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे याद है इसको इससे कंपेयर करते हैं हमेशा हम एवरीवन यस सर अब जल्दी से बताओ क्या निकालना है हमें वर्टाइस vertex के coordinates usually क्या होते हैं vertex के लिए come on x equals to क्या होता है vertex plus minus a and capital y कितना होता है zero होता है ना yes sir but मुझे answer किसके terms में चाहिए अब small x के correct everyone yes sir yes sir समझ गए कैसे करना है yes sir तो algebraically जल्दी से finish करो answer निकालो vertex का और फिर फोकस का भी निकालो ओके वर्टेक्स आई होप अब तक सबने निकाल लिया हो गया बच्चों यस सर x -1 = +-3
एंड y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो y तो टू आ गया और एक का x फोर आ गया, एक का x कितना आ गया माइनस टू, माइनस टू बट एस इज फोर कॉमा टू और कौन है माइनस टू कॉमा टू कॉमा टू। क्या सबको एल्जेब्रिकली समझ में आ रहा है? यस सर। फोकस क्या होते हैं इसके लिए बताना मुझे, बस इसके लिए बताओ क्या होता है फोकस? ए ई प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। नहीं, मेरे को कोऑर्डिनेट x और y के टर्म्स में बोलो, जैसे मैंने ये लिखा ना बच्चों वैसे बोलो। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई माइनस ए ई एंड कैपिटल y इक्वल टू जीरो, कम ऑन। यस सर। यस सर। बस निकाल लो जल्दी से, कम ऑन। ए कितना है 3, ई कितना था रूट 5 बाई 3, करेक्ट बोल रहा हूँ बच्चों? यस यस सर। y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, 1 प्लस माइनस 9 बाय रूट 5 कॉमा 0 ऐसे कुछ है। फोकस एस एन एस डैश। अब यही चीज ज्योमेट्रिकली निकालो, कम ऑन। तुम्हें पता लगेगा ज्योमेट्रिकली बहुत बेटर है, बट कभी कभी एल्जेब्रिकली करना पड़ता है इसलिए सीखा पहले। सर फोकस ए ई है ना? ओह माय मिस्टेक, ए ई तो ई कितना है रूट 5 बाय 3, करेक्ट ना? यस यस सर। जल्दी से ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, डायग्राम बनाओगे ना शिफ्टेड का एवरीवन? यस सर। कहां पे शिफ्ट हुआ है जल्दी बोलो। 1, 2। चीजें मार्क करने चालू करो, तुम्हें समझ में आता रहेगा, और क्या क्या पता है उसके हिसाब से चीजें मार्क करते जाओ। स्मॉल ए कितना है एवरीवन? 3। तो मतलब यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो इससे कितने डिस्टेंस पे होगा? ए डिस्टेंस पे, दैट इज 3 डिस्टेंस पे ना? यस सर। तो इसी लाइन के अलोंग 3 डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, चिल्ला के बोलो? 4, 2। आया ना एवरीवन? यस सर। दूसरा वर्टेक्स इससे कितने 3 यूनिट डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे होगा ना? -2, -2। देखो सही आया है एवरीवन? यस सर। अब एक बार डायग्राम बनाओ तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। अब फोकस कितने डिस्टेंस पे होता है एवरीवन? तो ए कितना है 3 इनटू रूट 5 बाय 3, दैट इज रूट 5 डिस्टेंस पे। मैंने कहा गलत किया था, y इक्वल टू 2 है ना, सॉरी यहां पे सही कर देना, ये कॉमा 2 है, सुन रहे हो? यस सर। y कोऑर्डिनेट 2 है ना, सो यहां पे रूट 5 डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 + √5 दिख रहा है, 1 + √5, 2। इधर वाला हो जाएगा कितना, रूट 5 लेफ्ट में, 1 - √5, 2। क्या सबने रियलाइज किया ज्योमेट्रिकली काफी आसान है? यस सर। एवरीवन कंफर्टेबल? ओके। यस यस। तो इस क्वेश्चन से क्या थोड़ा सा बस एलिप्स के और क्लोजर मिला हमें, काफी चीजें लिंक हो गई, बस नथिंग एल्स। क्लियर? यस सर। कोई डाउट है तो लेट मी नो। हो गया सबका? यस। ठीक है, ये क्वेश्चन तो होमवर्क की तरह करोगे, बस बाद में कॉपी कर लेना भली, बट अभी देख लो दिख रहा है कौन से फॉर्म में, किसे को दिख रहा है ये लेफ्ट रोटेटेड? रोटेटेड नहीं, रोटेटेड तो है बट रोटेटेड फॉर्म तो देखो पता ही नहीं ना बच्चे, मैंने लिखाया तो नहीं अभी तक, रोटेटेड कैसा होता है वो तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक। सर इसको ओपन करके रीअरेंज करना पड़ेगा, अंडर रूट लूंगा, अब थोड़ा दिखा कौन सा फॉर्म है। आर इज इक्वल टू बीएम, देखा जस्ट एक चेंज किया दिख गया तुम्हें, हाँ है ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन करके आओगे, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। 4y - 1 का होल स्क्वायर। चलो गुड लक फॉर योर एग्जाम, अच्छा करके आना एवरीवन। थैंक यू सर।
थैंक यू सर. थैंक यू सर. आपके पास मुझे बताना कैसा हुआ. थैंक यू सर. यस सर. हैप्पी वेकेशन सर. बाय बाय बच्चे. मेरे को वेकेशन है. मेरे कोई वेकेशन नहीं है. बाय बाय. बाय बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय.